फिलिपियों को 1 अध्याय में 8, 9, 10 वचनों में इन बातों को हम देख सकते हैं। वहां पर कहते हैं उत्तम से उत्तम बातों को तुम परख लेना चाहिए, चुन लेना चाहिए कि आप एक बेस्ट इंसान बन सकते हैं। गुड मतलब गुड चलेगा, अच्छा है, इतने में हम तृप्त नहीं होना है, तो उसके लिए हम उत्तम से उत्तम बातों को पीछे हमें पढ़ना होगा। अगर आपके आपके सामने 2-3 ऑप्शन से क्या करना है, तो उसमें से बेस्ट चीज शायद उसमें थोड़ा कठिन होगी, थोड़ा आपको सरल नहीं होगी, थोड़ा मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन जो बेस्ट चीज है उसके लिए परमेश्वर आपको उत्साहित करना। तो इसके लिए क्या है, कभी हम आसानी रास्ता ले लेंगे, उसमें फिर बेस्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, वही मिल जाएंगे, उसी में हम फिर बैठ जाएंगे। मीडियोक्रेसी मतलब थोड़ा बहुत चलता है, ऐसी चीजों में बैठ जाने वाले उत्तम बातों के पीछे नहीं पड़ पाएंगे। नॉर्मली हमारे जीवन में पढ़ाई होता है, नौकरी होता है, दूसरी बातों में हमेशा हमारा मन में थोड़ा बेस्ट चाहते हैं। वो लोग आप देखो, वो लोग जरूर ज्यादा मेहनत भी करते होंगे, उसको सपना देखते होंगे, उसके पीछे वो लोग पढ़ते होंगे। महिमा जी चर्च के ऊपर परमेश्वर ये लिखना चाहिए, बेस्ट चर्च है। लोग नहीं कर, लोगों की तारीफ की नहीं बात कर रहा, परमेश्वर की तरफ से हम एक बेस्ट विश्वासी, बेस्ट चर्च बनने के लिए परमेश्वर चाहता है। प्रभु के नजर हम ये चीज के हम पीछे पड़ना है। इसके लिए जो एवरेज होंगे, थोड़ा बहुत नीचे होंगे, थोड़ा बहुत हल्का, उनके से हम कंपेयर नहीं करना चाहिए। परमेश्वर जो हमारे लिए रखा है उस लक्ष्य को देख करके उसके हिसाब से हमें दौड़ना होगा। भला कार्य जो आरंभ किया उसने वही जो है रहकर हमारे साथ रहकर पूरा भी करेगा। वही भला कार्य है, यीशु मसीह के समानता में बनाएंगे। आत्मिक चीजों में बेस्ट से बेस्ट, उत्तम से उत्तम चीज आपको परमेश्वर देना चाहते हैं। कभी कभी लोग बोलेंगे मेरे जीवन में वस्त हो गया ब्रदर, इसलिए मैं बेस्ट नहीं बन सकता। लेकिन यीशु मसीह के बारे में आप देखो, तभी हम गाना गा रहे थे, जैसा मैं चाहता हूँ अगले बार कोई बच्चे इसको टाइप कर दें, है ना, लास्ट 701 करके, ताकि गा सके। वो गाना में लिख रहे हैं, एक फूल के समान तो कुचला गया है, लेकिन उसके वजह से बेस्ट निकल गए हैं। कभी हम सोच रहे हैं मेरे जीवन में वस्त हो रहा है, अभी कुछ दिनों में हमारा विरोध में कुछ ना कुछ शैतान, क्योंकि अब युद्ध का नजदीक आ रहा है, तो हमें और निराश कराने के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ पत्थर हमारे ऊपर फेंकने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है। तो ये मैं पढ़ रहा था, मैं समझ रहा था, जब भी वस्त चीज शैतान करने के लिए कोशिश करेगा, परमेश्वर जरूर उसको बेस्ट में बदल डालेंगे। अब एक बेस्ट आत्मिक इंसान बनना चाहिए। अभी हम साउथ में जाते हैं तो माँ बाप क्या बोलते हैं, अरे हमारा बच्चा अच्छा पढ़ गए हैं, इंजीनियरिंग पढ़ लिया, एमबीए भी पढ़ लिया है, और अमेरिका में इतना कमाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रभु ने हमको बहुत आशीष दिया, हम बेस्ट हो गए, प्रभु का धन्यवाद। इस बातों में लोग गमन करते हैं, लेकिन आत्मिक चीजों में पहला बेस्ट होना चाहिए, बाद में ये भी बेस्ट होने में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंजीनियर नहीं बन गया, डॉक्टर नहीं बन गया, क्या वो खराब हो गए? ऐसा थोड़ा है, ऐसा नहीं सोचने का, ये गलत विचार है। बेस्ट चीज प्रभु आपके लिए रखा होगा, और बाइबल जितने भी लोग लिखे थे वो लोग इंजीनियर नहीं थे, वो लोग डॉक्टर नहीं थे तो वो लोग मामूली लोग थे, लेकिन ये प्रभु के नजरों में वो लोग बहुत बेस्ट थे। इस दुनिया में रहते हुए किसी भी इंसान को प्रॉब्लम बगैर नहीं रहता, अभी जो है, लेकिन उनको अभी देखो अभी प्रॉब्लम आ गए तो उसको फेस करना पड़ेगा। मैं बस सोचता हूँ इस दुनिया में कुछ भी आप प्राप्त करो, इस दुनिया में जब तक रहेंगे कुछ ना कुछ इधर उधर की गड़बड़ दुनिया में होते रहता है, कभी भी आप चैन से आराम से नहीं बैठ पाते हैं। दुनिया में 75 ईयर्स हो गया वो आदमी को, हाँ उसको ओनर को, फिर भी वो झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ऐसी चीज दुनिया में बेस्ट चीज ये है, आप प्रभु के संतान बनो, प्रभु के सेवक बनो, प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी को देखो। ठीक है, स्कूल चला सकते हैं, वो चला सकते हैं, कुछ अच्छे नौकरी कर सकते हैं, लेकिन सबका परिणाम आत्मिक चीजों में आके पहुंचना चाहिए, तभी हमारे लिए तृप्त जीवन होंगे,
तभी हम उत्तम चीजों को हम चुन लिए ये हम समझ सकते हैं। जरूर देखो ये हमारे लिए अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे वो भी एक बिलीवर ही है, प्रभु के दास ही है, वो उसने अच्छा स्कूल बनाया क्रिश्चियन स्कूल से कम लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में सीखने के लिए मौका मिलता है। तो इतना अच्छा दर्शन के साथ उस व्यक्ति ने किया है, मानना पड़ेगा ज़रूर। लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आप कीजिएगा, स्कूल भी चलाइए, हॉस्पिटल चलाइए, कंपनी चलाइए, सब कुछ अगर परमेश्वर का अनुग्रह से अगुवाई से आप कर सकते, करना है। लेकिन आखिर में ये सबके पीछे आपके मकसद ये होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की महिमा, कलीसिया के बढ़ोतरी, विश्वासी लोगों को प्रभु में आगे बढ़ाना है, नए लोगों को जीतवाना है, नरक को खाली करना है, स्वर्ग को भरना है, परमेश्वर की राज्य को बढ़ाना, यही हमारा मकसद के साथ करेंगे तभी हम बेस्ट जगह में पहुंचते हैं। नहीं तो दुनिया वालों को ज्ञान बुद्धि दे देंगे, फिर वो जाके नरक में पड़ेंगे, हमारा लिए वो फिर हमें संतुष्ट नहीं होंगे। जितने भी हमारा क्रिश्चियन स्कूल्स है, जैसा भी यहाँ पर जो हमारा स्कूल है, और जितने भी रेयान स्कूल जैसे जितने भी क्रिश्चियंस का स्कूल चलते हैं, उसके लिए हम आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। और दूसरी चीज़ वो स्कूल्स में हॉस्पिटल्स में मतलब शैतान नज़र नहीं लगा दे कि उसको कब्जा करने के लिए, अभी CMC के बाद चल रहा था, सरकार लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों के उनके ये ऐसे छोटा से कभी या छोटा से एक प्रॉब्लम आ जाता है ना, उसको बड़ा दिखा के लोग फिर सरकार में जाएगा तब क्वालिटी तो बिल्कुल चला जाएगा, प्रभु के नाम के भी प्रचार नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, और ज़रूर मैं विश्वास करता हूँ अच्छे आत्मिकता से करते होंगे, तो ज़रूर हम उनके लिए प्रार्थना करना है। अगर हम भी कुछ भी ऐसा प्रयास करेंगे, हमारा मन में ये रखना है उसके परिणाम स्वर्ग राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमें करना होगा। तो बेस्ट अगर आप टीचर है, आप विश्वासी है, आपके स्कूल में आप बेस्ट टीचर होना चाहिए। कंपनी में अगर आप वर्कर है, अगर आप विश्वासी है, आप बेस्ट वर्कर होना चाहिए। और एक स्टूडेंट है, अगर आप विश्वासी है तो क्या होना चाहिए, बेस्ट स्टूडेंट होना। पौलुस बोलता है प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है, लेकिन वो अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया है, मैंने ज्यादा मेहनत किया। बेस्ट चाहिए, देखो छोटा मोटा चाहिए, एक छोटा से पौधा लगाना है, उसको बढ़ाना है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। लेकिन अच्छा से एक देवदार वृक्ष, बहुत मजबूत, एकदम लंबाई समय के लिए रहने वाले एक महिमामय वृक्ष को बनाना है, बहुत ही फल देने वाले, कई अच्छे चीजों को, दाखलता को, मतलब जैतून जैसे जो पेड़ों के बारे में बाइबल कहते हैं, ऐसे अच्छा से आपको बनाना है, तो उसके लिए हम बेस्ट के बेस्ट परिश्रम में जाना होगा। लेकिन जो व्यक्ति बेस्ट बन जाता है, सब लोग बोलेंगे बहुत लकी आदमी है, कई लोग जलन भी करेंगे। परमेश्वर खुद बोलते हैं मैं ऐसा आपका आशीष दूंगा, लोग आपके ऊपर जलन, बेस्ट आशीष की सामर्थ्य हमारे ऊपर है, चाहे वस्त भी आता होगा उसी को भी लेकर बेस्ट बना सकते। तो उसके लिए आज मैं फिलिपियों की किताब से एग्जांपल देने जा रहा हूं। तो फिलिपियों की किताब में हम जाते हैं, क्योंकि तो उसका ही बाइबल स्टडी चल रहा है, हम इस पॉइंट को हम समझ लेंगे। फिलिपियों का पहला अध्याय 12-13-14 वचनों को पढ़ेंगे। बढ़ोतरी हुई है, कई दो आगे बोलते हैं मेरे साथ वस्त चीज हुआ है। पढ़ना बेटा, निर्दोष आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया,
जब पुलिस लोग सिक्योरिटी लोग पकड़ के ले जाते थे, पूछ रहे तब क्या किया क्या, तो फिर उसको यीशु मसीह को प्रचार किया। वहां पर जो गवाही का देने का मतलब सामने जाकर खड़ा रहना पड़ता है रोम का वो न्यायालय के सामने, वहां पर वो कैदी का जो जगह पर खड़े रहकर उसके सामने पूछताछ जब किया जा रहा था, आप प्रेरित किताब में भी पढ़ेंगे वो चीज उसके सामने हुआ भी है। और उसने वहां पर भी मौका नहीं खोया है वहीं पर, क्योंकि उसने सोचा अभी तो मेरे साथ जो होना था हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा गला ही काटेंगे, जाने दो। वहीं पर भी उसने सुसमाचार का पूरा प्रचार राजा के सामने, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने, ऐसा एक मौका को उसने खोया नहीं, सीधा यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाने के लिए अपना पूरा अनुभव उसने वहां पर बता दिया। पार्लियामेंट में प्रचार हो गए, असेंबली में प्रचार हो गए, व्हाइट हाउस में प्रचार हो, बोलते मेरे साथ वस्त हुआ, लेकिन उसके वजह से व्यस्त भी हो गया। यही आज आप सोच लीजिए, आपके साथ व्यस्त होने के लिए आप ये नहीं देखना मेरे साथ सब व्यस्त होता रहेंगे तभी होगा, ऐसा जरूर नहीं है। कभी कभी आपके साथ गलत बात भी होगी, गलत व्यवहार होगी, आपके जीवन में कोई परेशान भी करेंगे, निंदा करेंगे, आपको बिना मतलब से दोषी लगाएंगे, तो भी उसकी वजह से आपके लिए जो व्यस्त होना चाहिए था उसका कोई रुकावट नहीं। रुकावट तो हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करेंगे, बल्कि उनके वस्त्र के वजह से परमेश्वर उसको बदल कर उसके वजह से हमारे में से बेस्ट को लेकर आएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 में पौलुस इस तरह से कहता है, मृत्यु हमारे में कार्य कर रहा है, यीशु मसीह का मृत्यु हमारे में कार्य के वजह से उसका जीवन प्रकट हो रहा है। मतलब यीशु मसीह का जैसे हमको भी लोग तकलीफ दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, मारने के आ रहे हैं, लेकिन जैसा कहा मैंने, अगर एक अच्छे सुगंधित फूल को कितना भी मारो, कितना भी कुचलो, जो भी करो, उसमें से बेस्ट आएगा, कभी भी उसमें से बदबू नहीं आएगा, उसमें से खुशबू आता रहेगा। यहाँ पर भी बोलते हैं, मैं प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी मेरे साथ बीता तो समाचार की बढ़ोतरी के लिए काम में आ गया है। तो अभी आप सोचे, उसे आप जो वचन पढ़े थे उसमें से आप बताइए क्या क्या फायदा हो गया। पढ़ा था, एक तो मैंने बोला कि सब लोगों को प्रचार हो गया, काम पर सारे अधिकारी लोग है, पुलिस लोग भी सुन रहे होंगे, है ना, सेक्रेटरी लोग, जितने भी सिक्योरिटी लोग, सब लोग सोच रहे होंगे, पूछ रहे होंगे, आपस में पूछताछ करते होंगे, ये सुसमाचार क्या होता है, यीशु का मृत्यु क्या होता है, जो पागल बता रहा था वहां पर। कभी कभी ऐसे क्यूरियोसिटी हो जाता है, सब लोग ज्यादा पूछताछ करने लगे, लोगों के अंदर खबर फैलाने लगे, उसका वजह से सुसमाचार फैलाने के लिए राजमहल से सब जगह में जाने के लिए परमेश्वर ने उसको वहां पर ले गया। वस्त हुआ है उसके साथ, लेकिन व्यस्त हो गया, सुसमाचार फैल गया, जहां से आर्डर आ रहा है इसको पकड़ो जेल में डालो, वहीं पर प्रचार हो गया। कम्युनिस्ट देश में क्या हुआ, जहां से बाइबल का मना करने का आर्डर निकाला गया, जहां से लोगों को जेल में डाला गया बाइबल के वजह से, वहीं पर परमेश्वर का अद्भुत काम हो गए, वहीं पर बाइबल का प्रिंटिंग प्रेस को परमेश्वर ने कड़ा कर दिया। जहां से आर्डर निकाला है इसराइल लोगों को मारो, दबाओ, उनके लड़का लोगों को मारो, जिस राजमहल से आर्डर निकले उस राजमहल से इसराइल को बचाने का रक्षक मूसा को परमेश्वर खड़ा कर दिया। कभी कभी परमेश्वर भी शैतान से थोड़ा मजाक उड़ाता है, वो सोचा था क्रूस पे मार दे काम खत्म है, लेकिन बाद में पता, अरे मैंने गलती कर दी है, मैं करने की वजह से भाई ये सब, मैंने वस्तु उसके साथ किया, बेइज्जत हो गया, पूरा मानव जाति का उद्धार हो गया, मैं तो किसी को बचाने के लिए नहीं चाहता था, लेकिन अरे यार गलती हो गई है, परमेश्वर ने वस्तु को लेकर के बेस्ट काम कर। अभी क्या कर रहा है, अभी झूठ निकाल रहा है, क्रूस पर मरा नहीं, ऐसा करके कहीं ना कहीं दूसरे धर्म वाला कैसे भी वो ट्राई कर रहा है, दूसरे धर्म से वो झूठा बातों को बोलेगा, क्रूस पर नहीं गया, ये नहीं गया, ऐसे बाइबल खराब है, गलत है, ऐसे ऐसे ऐसा, तो वो बोलने से थोड़ा जल्दा, परमेश्वर की सच्चाई तो बना रहेगा, उसका वचन कायम रहेगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा तो भी प्रभु का वचन कभी नहीं टालेगा। लेकिन परमेश्वर
कठिन परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में आपके लिए उत्तम से उत्तम बातों को लेकर आएंगे। और वहाँ पर दूसरी चीज भी आपने देखा होगा, वो दूसरी चीज बता रहे हैं, जब पौलुस जेल में चला गया तो बाकी लोगों के अंदर एक जिम्मेदारी को महसूस करने लगे, क्योंकि तो अभी एक सीनियर पास्टर होते हैं और थोड़ा बहुत करिश्मेटिक होते हैं। करिश्मेटिक मतलब उसके पास मतलब ऐसे लोगों की एक अटैचमेंट रहता है, ऐसा है कि नहीं। पौलुस जाएंगे तो लोग पौलुस प्रचार कर रहा आज तो जरूर लोग सब भीड़ भीड़ में आ जाएंगे, दूसरा कोई आएगा तो इतना नहीं होंगे। तो पौलुस को जरूर इतने कलीसिया साबित किए, जरूर उनके अंदर एक करिश्मा, एक आकर्षित एक चीज जरूर रहता होगा। तो इसलिए जब पौलुस जब तक रहता था कई सारे लोग प्रचार कर सकते थे, लेकिन वो लोग थोड़ा हिम्मत नहीं होते थे, आगे नहीं आते थे, थोड़ा चुप के बैठा रहते थे। लेकिन जब पौलुस अभी है नहीं, क्या करेंगे, वो लोग ऊपर से मतलब हिम्मत बांध कर वो लोग आगे आने लगे, अलग अलग जगह में जाके। पहले एक पौलुस प्रचार कर रहा था, अभी 50 पौलुस प्रचार कर रहे हैं, उसमें भी शैतान को घाटा हो गया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो गया। तो वस्तु हुआ लेकिन व्यस्त हो गए। तो फायदा ही फायदा है। अभी तीसरा फायदा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पौलुस जेल में था इसलिए हमारा पास है पत्री। ऐसा किताब बहुत मुश्किल से मिलता, बहुत आनंद 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 के बारे में कई 10 जगह में बता रहे। दुनिया के सिद्धांत तो क्या है, आपका दुख है रोते रहो, कुड़कुड़ाते रहो, यही दुनिया के लोग बोलेंगे, अरे रोना, तुम दुख में पड़ा रहो, उदास होके रहो। हाँ, यही सिनेमा का गाना भी कई सारे होंगे, गलती से हमारा विश्वासी भाई लोग भी कई ऐसे दुख की कटोरा मेरा प्रभु देंगे, ऐसा करके हम लोग भी गलती से वही गाना में हम फंस जाते हैं। तो ऐसा गाना परमेश्वर हमें दिया है, दुखों में भी मैं आनंद हो जाऊंगा, व्यस्त में भी व्यस्त हो जाएगा। ऐसा किताब दुनिया में कहीं नहीं है, फिलिप्पियों की किताब के जैसे दुनिया में कोई किताब नहीं मिलेगा। तो ये सब फायदा मन हो गया। पहले तो बोलता है मेरे वजह से गवाही बन गया है, दूसरा चीज मेरे वजह से मैं जब मैं नहीं था तो कहीं कहीं मीटिंग होना था, कहीं से सब भाई लोग हिम्मत आ गए, सब लोग जाके प्रचार करने लग गए हैं। कुछ लोग अच्छे मन से प्रचार कर रहे थे, कुछ लोग थोड़ा बचपना है उनके अंदर, थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, उसके वजह से वो लोग मतलब वो लोग जाके सुसमाचार प्रचार किया, गलत प्रचार नहीं किए, सही प्रचार किए, लेकिन उनके अंदर में थोड़ा मेच्योरिटी नहीं है, फिर भी उसके वजह से प्रचार तो हो रहा था। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, 7-8 साल के पहले एक पास्टर यहाँ एक गुजराती पास्टर मुझे मिलने आया था। वो तो मेरे को पूछ रहा था आपका कब ट्रांसफर हो गया। मैं समझ गए क्या सवाल पूछ रहा है, ताकि ये चला जाएंगे हम कब्जा ले लेंगे, सब अपना जगह मिल जाएगा, बने बने मिल जाएंगे, है ना, सब बिल्डिंग विल्डिंग बनाए हुए हैं, आराम से हम इसमें से करता रहेंगे। कई लोगों के अंदर ये भी ठीक है, आदमी बेकार में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सोच विचार में एक बचपना है, एक गलत विचार है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो बाद में आपको मालूम मुझे तो ट्रांसफर नहीं हुआ, वो भाई भी आ नहीं पाया। तो देखिए हमारा तमिल में कहावत होता है, वो क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ, वो हमारा उधर क्या है, जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, बड़े भाई परिवार छोटे भाई परिवार सब लोग मिलके माँ बाप के साथ एक परिवार में रहे, वहाँ पर रहते थे, घर के बाहर बैठने के लिए एक जगह होता था, जब बड़े भाई होते बड़े भाई जाके बैठा रहते, बड़े भाई भी बुढ़ा है छोटा भाई भी बुढ़ा है, वो 70 का हो गया 65 हो गया है, चलो 75 हो गया 70 हो गया, मैं सोच रहा ये कब मरेगा मुझे वो जगह मिल जाएगा, ऐसे भी कोई लोग सोच रहे थे। अच्छा हो गया पौलुस जेल में चला गया, हमको यहाँ प्रीचिंग का चांस मिलेगा, वहां चांस मिल गए, चलो थोड़ा देर रहने दो या उसका और भी हमको मौका मिल जाएंगे, थोड़ा हमको भी थोड़ा पास्टर बन जाएंगे, हम भी थोड़ा बड़ा बन जाएंगे। ऐसे लोगों को अंदर क्या जिम्मेदारी का महसूस नहीं करते हैं, प्रचार तो करते हैं
लेकिन ये नहीं सोच रहे कि सेवकाई एक जिम्मेदारी वाला मामला है, वो सोच रहे सेवकाई एक पद है, एक बड़ा आदर मिलेंगे, लोग पास्टर पास्टर बोलेंगे, लोग हमको पैसा भी देंगे, हाँ लोग हमको बड़ा ईमान रखेंगे, हाँ बहुत इनाम देंगे, ऐसा ऐसा लोग, इसको कहते हैं पार्टी स्पिरिट, पार्टी है ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां होते हैं। हाँ तो ये चीज सब, तो ऐसे विचार हमारा में कंपटीशन ना रहे। देखो आपको जो मौका तो मिलेगा ये है, आप एक छोटा जगह में स्टार्ट कीजिएगा, आपके पास आत्मा खींचा जाएगा, आप लोगों को बचाएंगे, वहाँ पर कलिसिया बनाएंगे, मछलियाँ तो बहुत पड़े हुए समुन्द्र में, अगर आप जाएंगे मछलियाँ पकड़ के लाएंगे, कलिसिया बनाएंगे। वैसे तो पौलुस भी वैसे कुछ नहीं अवस्था में ही उसने सब चीज़ों को शुरू किए हैं, वैसे भी हम लोग भी कर सकते हैं दूसरे के ऊपर, हम दूसरे के बने बने चीज़ों के ऊपर। पौलुस बोलते हैं मैं दूसरे के नए पर मैं नहीं करता, नया मैं करना चाहता हूँ हमेशा, क्योंकि वो बेस्ट आदमी है। बेस्ट लोग ऐसे सोचेंगे, तो हम लोग बेस्ट है तो हम भी ऐसे सोचना चाहिए। 18 वचन में बोलता भले उनकी मनोभावना ठीक नहीं है, भाई वो सही नहीं है, लेकिन तो भी वो लोग यीशु मसीह को प्रचार कर रहे हैं, वचन को प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मैं आनंदित हूँ और भी मैं आनंदित रहूंगा। वो लोग देखिए वो लोग गलत प्रचार कर नहीं रहते, ये याद रखिएगा। कुछ लोग बोलते कोई भी करने दो, ऐसा ऐसा नहीं, ये लोग सुसमाचार तो प्रचार किए लेकिन उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं था, फिर भी वो प्रचार कर रहे हैं, इसमें पौलुस आनंदित हो रहा था। फिलिपियों को 3 अध्याय में 2 वचन आप पढ़ोगे, वहां पर कुछ लोगों के बारे में चेतावनी दे रहा है, पढ़ लेते हैं फिलिपियों का 3, फिलिपियों 3:2। काटपोट करने वाले चौकस रहो। यहाँ पर 3 ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक तो है कुत्ता जैसे, मतलब जो आदमी प्रभु के पास था, कुत्ता बाइबल में पीछे हटने वाला के उदाहरण होती है, जैसा कुत्ता क्या करते हैं, जो उल्टी करेंगे उसी को फिर खाएंगे, वैसे जो पाप छोड़ दिए उस पाप को वापस लेके पीछे चलने वालों के बारे में बोल रहे हैं। कुत्ता जैसे लोग हैं, ऐसे लोग गलत प्रचार करेंगे, उनका भावना सही नहीं होगा, उनसे बच के रहने के लिए बात कर रहा। और कुछ सेवक लोग है बोलते, लेकिन खराब लोग है, खराब उपदेश देंगे, गलत संदेश देंगे, उनसे बच के रहना है। और लोग ने कटपुट करने वाले, मतलब जो खतना करने वाले यहूदी लोग, जैसा यहूदी लोग में कुछ लोग थे पौलुस के वचन सुनकर विश्वास भी करते थे, लेकिन वो लोग फिर व्यवस्था को वापस लाने के लिए, हाँ खतना का व्यवस्था और सबक के व्यवस्था रूल और मरे हुए चीज ये चीज ये सारे चीजों को लाने के लिए गलत उपदेश वो लोग दे रहे थे, पुराने नियम को प्रचार कर रहे थे, उनसे भी बच के रहने के लिए यहाँ पर बता रहा है। तो इसलिए फिलिपियों को यह 18 को समझना है तो फिलिपियों का 3:2 भी पढ़ना पड़ेगा। बोला मैंने புரிஞ்சுக்கணும்னா இன்டர்பிரேட் பண்ணணும்னா அபி சமயே தோ அபி 19 வச்சன் பண்ண லேத்த பண்ணா பேட்டா உஸ்கா அகல வச்சன் 19:22 என்ன ஆனாலும் எனக்கு பெஸ்ட் தான் நடக்கும். ஹalleluya. பவுலஸ் கே லிய தாளி பஜாயேங்க. நம்பியே விஸ்வாஸ் ரக்னா சாஹியே. குச்சு பீ ஹோ ஜாய். சாய மே மர் பீ ஜாவும். பாத் மே மரா நஹீ ஹே. 2 साल के बाद वहां से रिलीज हो गया है, क्योंकि 19 वचन में बता रहा था आप लोग की प्रार्थना की वजह से, पवित्र आत्मा की मदद की वजह से मैं छुटकारा पा जाऊंगा।
अगर नहीं भी मिला तो भी, अगर मरने की परिस्थिति आ गया तो भी, मैं तो लज्जित नहीं होने वाला हूं, मेरे लिए तो बेइज्जती होने वाला है, मेरे लिए जीना मसीह मरना मेरे लिए लाभ है और मेरे द्वारा प्रभु की महिमा ही होगा। तो यही एक व्यस्त विश्वासी का विचार है। तो 19 वचन में लिखा हुआ, आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा, तो आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा, तो आप लोगों की प्रार्थना में सामर्थ्य है, नहीं तो टूटी फूटी प्रार्थना है, नहीं तो प्रभावशाली प्रार्थना है। बोलिए श्रीधर, वो टूटी फूटी प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना है। पहले हम सोचते थे ना, पहले हम सोचते थे टूटी फूटी छोटा मोटा प्रार्थना, कुछ भी हो छोटा बड़ा हो, आपके सब प्रार्थना बड़ा ही प्रार्थना है, यीशु के नाम से कर रहे हैं, बड़ा प्रार्थना है, प्रभावशाली प्रार्थना है। उसके वजह से सेवक लोग बच जाएंगे, अब युद्ध काम भी अच्छा से हो जाएगा। उसके पहले उसके बाद प्रार्थना करो, ज्यादा करो, प्रभु मदद करेंगे, उसके वजह से सब लोग बच जाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आपकी प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। मैंने पिछले दिन बोला था, मेरे लिए, मेरे मिसेस के लिए, मेरे बच्चे लोगों के लिए 10 मिनट प्रार्थना करना। और मैं इसका और भी आपको बढ़ा के बताना चाहता हूँ, और इस सेवा में जितने भी दूसरे लोग जुड़े हुए हैं जो बाहर, उनके लिए भी और 10 मिनट थोड़ा प्रार्थना करना, धन्यवाद करना, प्रभु के लहू का प्रोटेक्शन के अंदर रखना। हमारे लिए जो विरोध आ रहा है, तीरों को, अग्निवाणों को बुझाने के लिए विश्वास की डाल पकड़कर बुझाना, प्रार्थना में अन्य भाषा में प्रार्थना जरूर करना। तो हम खत्म करेंगे एक ही विचार से, जो कुछ भी हो जाए मेरे लिए बेस्ट होगी, मेरे प्रभु की महिमा होगी।